अस्सलामुअलैकुम। आज बेसन की रोटी बना रही हूँ, जिसके लिए मैंने 500 ग्राम बेसन लिया है। एक टेबलस्पून ये देखिए नमक है, थोड़ा सा भर के। नमक तो इसमें बहुत कम ही लगता है। और थोड़ा सा ये ज़ीरा है, आधा टेबलस्पून के करीब। ये देखिए अदरक को छोटे छोटे क्यूब्स में इसमें छोटे में काट लिया है ये। और एक इंच का टुकड़ा है। ये 6 चिल्ली ली हैं, ये बहुत तेज़ नहीं है। और ये चटनी के साथ खाते हैं, अच्छी लगती है। और ये हरा धनिया थोड़ा सा। और एक ये मैंने थोड़ी सी बड़ी प्याज ली है, इसको भी मैंने छोटे छोटे पीसों में काट लिया है। अब इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। अब इधर चलिए इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। अब इसको थोड़ा थोड़ा पानी डाल के गूंदिए, क्योंकि इसमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है। इसको आटे की तरह गूंदना है, इसको पतला नहीं करना है बिल्कुल भी। चलिए इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। देखिए इसको आटे की तरह गूंद लिया है मैंने, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के, जिस तरह से आटा गूंदते हैं। बहुत मुलायम नहीं रखना है, ये देखिए थोड़ा सा ये टाइट है। तो चलिए ये हो गया। इसे कम से कम मैं 15 मिनट के लिए रखूँगी, फिर बनाना शुरू करूँगी रोटी। चलिए देखिए 15 मिनट से रेस्ट हो रहा है, अच्छा हो गया, मुलायम हो गया। अब इसके कम से कम इतने बड़े डो लीजिए। और ये देखिए हाथों को गीला कर लीजिए अच्छे तरीके से, ताकि ये हाथों पे चिपके नहीं। तो इसका एक डो लेकर अब इसको हाथों से ही आप इसको पतला कर लीजिए रोटी की तरह, ये देखिए। और बहुत मोटी मोटी नहीं बनानी है, थोड़ी पतली बनेंगी। जितनी ये पतली होगी उतनी अच्छी होगी। तो ये देखिए मैंने ठीक ठाक पतली कर ली है। चलिए अब इसको इस पर पका लेते हैं। एक साइड से हो जाए तो इसको फिर दूसरे साइड से मैं करती हूँ। देखिए एक साइड से हल्की हो चुकी है, अब इसको दूसरे साइड से भी पका लेते हैं। कम से कम 2 मिनट मैंने इसको पकाया इस साइड से, और दूसरे साइड से भी 2 ही मिनट पकाऊंगी, फिर इसको सेकूंगी। देखिए ये भी इस साइड से भी ये देखिए थोड़ी पक चुकी है। अब इसको मैं इस तरीके से इस पर पकाऊँगी, इस पर सेकूँगी मैं, तो हर तरफ से सेक लूँगी अच्छे तरीके से। तो इसको सेक लेते हैं, जब से दूसरी वाली भी इसी तरह से देखिए बना लेते हैं। ये देखिए, ये देखिए दूसरी वाली भी ऐसे मैंने पतली ही कर ली है हाथों से। अब इसको भी पका लेते हैं और इसको देख लेते हैं कि ये हो रही है। ये देखिए हल्के हल्के सिक रही है, ये देखिए। अब इसको साइडों से सेक लेते हैं हर तरफ से। देखिए ये एक साइड से हो गई है, अब इसको दूसरी साइड से भी सेक लेते हैं। इसको सुबह के नाश्ते में मैं अमूमन बनाती हूँ। वैसे तो आप किसी भी टाइम दोपहर रात के खाने में डिनर में जब भी बनाइए खाइए, लेकिन नाश्ते में ये अच्छी लगती हैं काफ़ी, चटनी के साथ, तो ज़रूर ट्राई करिएगा। अब इसको इस साइड से भी सेक लेते हैं। और ये दूसरी रोटी भी हो चुकी है, तो इसको भी मैं पलट के इस तरफ से इसको भी सेक लेती हूँ। ये देखिए ये बिल्कुल तैयार हो चुकी है, अब इसको उतार लेती हूँ। देखिए ये अच्छे तरीके से पक चुकी है, लेकिन अब इसमें एक काम ये बाकी है, इसमें इसको थोड़ा सा कट लगा लीजिए इस तरीके से, 4-5 कट लगा लीजिए। इसको इस तरह से काट के खाओ तो ये बहुत अच्छी लगती है। अब ये इसको कट लगा दी, अभी ये काफ़ी गर्म है, तो अब इसको देसी घी और चटनी के साथ ये बहुत अच्छी लगती है। देखिए ये इसी तरीके से तैयार करनी है, बाकी भी मैं इसी तरह से बना लेती हूँ। लीजिए बेसन की रोटी तैयार है। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।